हेलो, मैं हूँ प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये है क्या? आइए हम इसको साधारण तरीके से जानते हैं। बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, सेंसेक्स होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है और निफ्टी क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम बता दें कि सेंसेक्स जो होता है वो BSE का इंडेक्स होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है, जिसमें 5500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। और निफ्टी में होता है 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। जो NSE का इंडेक्स होता है, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जो जिसमें 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में वर्क कैसे करता है, होता क्या। जैसे आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप शेयर, स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसमें आप शेयर को खरीद और बेच सकें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने शेयर खरीदा हुआ है किसी कंपनी का, और अगर आपको जानना है उसका भाव क्या चल रहा है मार्केट में। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने 100 कंपनी का शेयर लिया हुआ है, तो अगर आपको जानना है उस कंपनी के क्या भाव चल रहे हैं, तो आप बारी बारी से देखने में परेशान हो जाएंगे। तो आप एक्चुअली पता करेंगे सेंसेक्स, आज का सेंसेक्स किस कंडीशन में था, बढ़ा या घटा, जिसके थ्रू आप ये जान पाएंगे मेरी जो शेयर मार्केट में जो मेरा शेयर है उसकी प्राइस घट रही है या बढ़ रही है, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो सेंसेक्स में क्या होता है, सेंसेक्स होता है BSE में जो टॉप 30 कंपनियां ही ली जाती हैं, 30 कंपनियां। तो ये वर्क कैसे करती हैं, जैसे इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इंडेक्स वर्क करता है, वैसे ये वर्क करती हैं। जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन इंडेक्स 8% से बढ़ गया, 10% से बढ़ गया, तो जरूरी नहीं है आपकी सारी चीज महंगाई 10% बढ़ गई, कुछ चीजें घटती हैं कुछ चीजें बढ़ती हैं। जैसे आप, अगर मैं बता दूं, जैसे सेंसेक्स को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, 10 शेयर के प्राइस हैं, पर शेयर ₹10, और 10 ही शेयर हैं, तो ₹100 ए लिमिटेड के हो गए, बी के हो गए, इनके 20 शेयर हैं, ठीक है, ₹20 पर शेयर हैं, तो इनके 10 शेयर हैं, तो टोटल हो गए 300। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कुछ समय बाद इनके शेयर में क्या होगा कि जो ए लिमिटेड की शेयर थी वो ₹8 शेयर हो गई, और जो बी लिमिटेड की शेयर की प्राइस थी वो ₹30 हो गई। तो यहाँ 300, और वो पहले रेट था दोनों को मिला के ₹300, और अब हो गई 380। तो इसका क्या हुआ, सेंसेक्स बढ़ गया। ऐसे इन्फ्लेशन रेट के थ्रू मैं आपको बताया, इन्फ्लेशन रेट भी ऐसे ही बढ़ता है, तो कुछ चीजें बढ़ती हैं कुछ चीजें घटती हैं, ठीक है। तो इसमें टॉप 30 कंपनियां होती हैं जो आपको आपके जो शेयर्स हैं उनका भाव बताती हैं। निफ्टी में टॉप 50 कंपनी ले आती हैं, जैसे सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी ली जाती थी। तो इसमें क्या होता है, टॉप 50 कंपनी में जो डिफरेंट सेक्टर से होते हैं, जैसे मेटल, PSU, बैंक, मीडिया, रियलिटी, एनर्जी, जो अपने सेक्टर में सबसे टॉप पे होते हैं, उन सेक्टर से वो उन उस कंपनी को वो ले लेते हैं जो कि निफ्टी में लिस्टेड होना चाहिए। निफ्टी मतलब 50, जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो निफ्टी में आती हैं, और सेंसेक्स में 30 आती हैं जैसे मैंने बताया। तो सेम चीज वैसे ही वर्क होता है, आप इसमें कुछ भी बाय और सेल कर सकते हैं शेयर, तो सेम चीज वही प्रोसेस होता है जैसे सेंसेक्स का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने थोड़ा बहुत बताया है अपने नॉलेज के हिसाब से वो आपको समझ में आया होगा, और आप समझ पाए होंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है और इसमें कैसे पैसा डाला जाता है और ये वर्क कैसे करता है। तो जी, धन्यवाद।